Consider a gravity-free hall in which experimenter of mass 50 kg is resting on 5 kg pillow. A gravity-free hall. This is a gravity-free hall. A experimenter of mass 50 kg is resting on 5 kg pillow. Yaha 50 kg hai aur yaha 5 kg. 8 feet above the floor. 8 feet above the floor. He pushes the pillow down so that it starts falling at a speed of 8 feet per second. Yaha पिलों को नीचे की तरफ धक्का देता है, जिससे कि यह 8 फीट पर सेकेंड से पिलो नीचे जाने लगता है। The pillow makes perfectly elastic collision with the floor, rebounds and reaches the experimenter. Find the time elapsed in the process. देखिए, we'll see. मैं दो कलर ले लेता हूँ। Let us say time elapses T. T time elapse हुआ. सबसे पहली बात, जब यह 8 फीट से इस पिलो को नीचे धक्का देगा, 8 फीट पर सेकेंड से, तो स्वयं भी कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जाने लगेगा. वहां v वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम जीरो है. पिलो को पुश करने के बाद भी मोमेंटम जीरो रहना चाहिए. पिलो को उसने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया है 5 केजी इनटू 8 फीट पर सेकेंड से. स्वयं उसके पास मोमेंटम ऊपर की तरफ आ जाएगा 50 केजी इनटू वी. सॉल्व करके देख लीजिए, v कम्स आउट टू बी 0.8 फीट पर सेकेंड्स. माइनस साइन के साथ, माइनस साइन का सिंपल सा मतलब है कि पिलो को उसने नीचे की तरफ धक्का दिया है, वह स्वयं ऊपर की तरफ जाने लगेगा. अब लेट अस से टोटल टाइम इलैप्सेस t. Total time elapsed is T. Total time of phenomena is T. तो इतने समय में यह मैन कितना ऊपर चला जाएगा? Man rises by. इस दौरान मैन ऊपर चला जाएगा 0.8 इंटू टी फिट से. यह मैन इस दौरान कहीं इधर आ जाएगा और यह इतना ऊपर चला जाएगा. अब इस दौरान हुआ क्या है? पिलो 8 फिट नीचे गया है. 8 फीट फिर ऊपर आया है और फिर जितना मैन ऊपर गया उतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है. और किस वेलोसिटी से ट्रेवल करा है? 8 फीट पर सेकेंड. क्योंकि 8 फीट पर सेकेंड से टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन करके 8 फीट पर सेकेंड से रिबाउंड होएगा. 8 फीट से ट्रेवल करते हुए पिलो टी टाइम के लिए ट्रेवल करा. 8 फीट पर सेकेंड से वो नीचे ट्रेवल कर रहा था. हॉरिजॉन्टल सरफेस से टकराने के बाद 8 फीट पर सेकेंड से वो रिबाउंड होएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन कर रहा है. हमेशा उसकी वेलोसिटी 8 फीट पर सेकेंड ही है
or total pillow t time ke liye travel kara. So this is the distance traveled by pillow, and this distance traveled must be equal to 8 feet niche jaate samay, 8 feet upar aate samay, aur main jitna upar gaya 0.8 feet. So this is everything is in feet. So feet to pura cancel ho jayega. 8 t is equal to 8 plus 0.8 t. 7.2 t is equal to 16. Or t is equal to 16 upon 7.2 seconds. थर्टेंथ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसके बाद. वंस अगेन थर्टेंथ प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. थर्टेंथ प्रॉब्लम करने के बाद टेंथ प्रॉब्लम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी. मैं थर्टेंथ प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि टेंथ प्रॉब्लम इट्स अ बेसिक ऑफ 11, 12 एंड थर्टेंथ प्रॉब्लम. थर्टेंथ प्रॉब्लम पहले हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर समय बचा तो टेंथ भी करा लेंगे. ध्यान से देखिए इसको. Let's read this 13th problem thoroughly. A block having mass m1 connected with a spring initially unelongated hai. Spring having a spring constant k. To another end we have got another block having mass m2 originally lying on frictionless horizontal surface. Mass m1 pulled with force f1. Mass m2 pulled with force f2. Find maximum elongation that the spring would suffer. इस सिचुएशन में स्प्रिंग पर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा. मैं इस प्रॉब्लम को दो मेथड से दो तरीके से करके दिखाऊंगा. दोनों तरीका बड़े ध्यान से देखना समझना. पहला तरीका होगा जिसमें मैं पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट में सारा काम करूंगा. और दूसरा तरीका मेरा होगा उस तरीके में मैं कहीं पर भी डायनामिक्स या न्यूटन्स लॉ की बात नहीं करूंगा. मैं पूरी तरह से वर्क पावर एनर्जी और मोमेंटम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बात करता रहा. दोनों ही तरीके को बड़े ध्यान से देखना. इन दोनों मेथड को समझ गए तो एक प्रॉब्लम को करने से कई सारे प्रॉब्लम के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. थर्टेंथ प्रॉब्लम हो गया तो ट्वेल्थ प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ट्वेल्थ प्रॉब्लम में F1 और F2 को बराबर इक्वल टू F कर दिया गया है. बस देखिए सबसे पहले यह तो इनिशियल कंडीशन है. मैं कहता हूं एट एनी स्टेट, एट एनी कंडीशन, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट कहना चाहिए. यह मास m1 हां यार फैक्ट है कि मुझको इतना सारा लिखना है.
इतना सारा लिखना है उसको कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। सर प्रोजेक्टर रोल क्या है, प्रोजेक्टर में क्या है? अच्छा अच्छा मैं इसको इधर लिख देता हूं। Although you need to bear with my small handwriting, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम उसको एक ही बार में बोर्ड में करना है और ढेर सारी चीज लिखूंगा मैं, ठीक है ना। इसको तो मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। एट एनी इंस्टेंट, कोई सा भी रैंडम इंस्टेंट यदि मैं लूं, मास m1 और यह स्प्रिंग और यह मास m2, मास m1 पर यह फोर्स f1, मास m2 पर यह फोर्स f2। अब मैं कहता हूं इस इंस्टेंट पर मान लीजिए स्प्रिंग एलोंगेटेड है x से, द एलोंगेशन इन स्प्रिंग इज x, अपनी नेचुरल लेंथ से वह x से एलोंगेटेड है। एक्स से एलोंगेटेड है एल प्लस एक्स, किसी भी इंस्टेंट पर उसकी नेचुरल लेंथ एल थी और वो एल प्लस एक्स हो गई। इस इंस्टेंट पर हम काइनेमेटिक्स के पैरामीटर डिफाइन करते हैं। मास एम टू वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ए टू से एक्सीलरेटेड है इस इंस्टेंट पर, और इस इंस्टेंट पर मास m1 पॉजिटिव डायरेक्शन में v1 से मूव कर रहा है और एक्सीलरेटेड a1 से है। ध्यान रहे काइनेमेटिक्स के जितने भी पैरामीटर मैंने असाइन करे हैं वह सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में असाइन करें। इनमें से कोई सा भी यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपने आप सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, हमें परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो काइनेमेटिक्स के जितने पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में, कैसे मास m2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में दे रखा है इसलिए इसी डायरेक्शन में लगाया, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में v2 कह दी और एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में a2 कह दिया। मास m1 इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी कह दी, एक्सीलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में a1 कह दिया, स्प्रिंग x से एलोंगेटेड बोल दी, ओरिजिनल लेंथ उसकी l थी और अब लेंथ हो गई है एल प्लस एक्स, एलोंगेटेड फोर्स एफ वन मास एम वन पर अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तीन फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूं। यह पहला फ्री बॉडी डायग्राम मास एम वन है जिसमें सिर्फ, यह दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जिसमें सिर्फ स्प्रिंग है, और यह तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें सिर्फ मास m1 है, मास m2 है। अब फ्री बॉडी डायग्राम लेने के बाद हम सबसे पहले उसमें काइनेमेटिक्स के पैरामीटर इंडिकेट कर देते हैं और उन्हें रिलेट कर देते हैं। काइनेमेटिक्स के पैरामीटर सबसे पहले इंडिकेट और रिलेट कर देने चाहिए। हम एक्सटर्नल फोर्सेस भी इंडिकेट करेंगे। इसकी वेलोसिटी v2 और एक्सीलरेशन a2, इस वजह से स्प्रिंग का यह जो पॉइंट है वह v2 से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी v1 और एक्सीलरेशन a1, इसलिए स्प्रिंग का यह पॉइंट भी v1 से मूव करेगा। फोर्सेस इंडिकेट कर देता हूं। सिंस
स्प्रिंग इज एलोंगेटेड बाय एक्स, इसलिए स्प्रिंग पर एलोंगेटिव फोर्स लगना चाहिए। स्प्रिंग एक्स से एलोंगेटेड है इसलिए स्प्रिंग पर एलोंगेटिव फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग पर एलोंगेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा होगा। एक्स से एलोंगेटेड रखने के लिए इस पर के एक्स फोर्स लग रहा होगा, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में के एक्स। स्प्रिंग पर इस तरह से एलोंगेटिव फोर्स लग रहा होगा। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, स्प्रिंग को के एक्स फोर्स इधर कौन लगा रहा होगा? यह मास एम टू। इस वजह से इस मास एम टू पर भी स्प्रिंग के एक्स से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, और इस पर फोर्स F2 पॉजिटिव डायरेक्शन में लगी रहा है। इस स्प्रिंग पर यह की एक्स फोर्स कौन लगा रहा होगा? यह मास M1। तो यह मास M1 पर स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में की एक्स फोर्स ऐसे लगा रही होगी, और F1 फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में ऑलरेडी लगी रहा। ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शन में भी mg और नॉर्मल रिएक्शन है, इधर भी वर्टिकल डायरेक्शन में mg और नॉर्मल रिएक्शन है, मगर वर्टिकल डायरेक्शन में उन फोर्सेस को मेंशन करने की हमें कोई आवश्यकता कभी नहीं होती है, क्योंकि इस केस में कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, देयर इज नो नीड। अब यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब मैं इक्वेशंस लिखूंगा। पहले काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखूंगा, तीनों फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इक्वेशंस लिखूंगा, डायनामिक्स की इक्वेशन लिखूंगा और उनको सॉल्व करूंगा। जनरलाइज्ड इक्वेशन पहले लिखता हूं जो हमेशा अप्लाई होगी। सबसे पहले हम इस स्प्रिंग के बारे में सोचे। स्प्रिंग के लिए आप क्या इक्वेशन सोच समझ कर लिख सकते हो? सिर्फ स्प्रिंग को देखो बड़े ध्यान से, सिर्फ स्प्रिंग को। दिस इज द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से रिलेटेड हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? स्प्रिंग का यह एंड v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और स्प्रिंग का यह एंड v1 वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्प्रिंग का एलोंगेशन है x। स्प्रिंग के एलोंगेशन की वजह सोचो कि आखिर स्प्रिंग एलोंगेट होती क्यों है। स्प्रिंग एलोंगेट इसलिए होती है क्योंकि स्प्रिंग के दोनों अलग अलग सिरे अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। यदि यह सिरा ज्यादा वेलोसिटी से मूव करा तो एलोंगेशन बढ़ेगा, यदि यह सिरा कम वेलोसिटी से मूव करा तो एलोंगेशन कम होगा। द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग कैन बी रिलेटेड टू वेलोसिटीज ऑफ द टू एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो दोनों एंड है इनकी वेलोसिटी के साथ एलोंगेशन को रिलेट कर सकते हैं। विल रिलेट इट लाइक दिस, वी टू माइनस वी वन। वी टू इज वेलोसिटी ऑफ दिस एंड, वी वन इज वेलोसिटी ऑफ दिस एंड। वी टू माइनस वी वन विच इज रिलेटिव वुड बी डीएक्स बाय डीटी। वी यूज टू से यह एंड ज्यादा वेलोसिटी से मूव करा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हुई तो स्प्रिंग उतनी ही तेजी से एलोंगेट होगी। यदि रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हुई, मतलब इसकी वेलोसिटी यदि कम हुई, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कम होने लगेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर स्प्रिंग। इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, स्प्रिंग के लिए इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं इस मास M2 के लिए इक्वेशन लिखता हूं। मास M2 जिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स F2 लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में kx लग रहा है, और यह A2 से एसिलेट हो रहा है, तो मैं कहूंगा फोर्स F2 माइनस kx। दिस इज नेट फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, F2 in positive direction, kx in negative direction. This is equal to m2 into a2.
or m2 into dv2 by dt. अब मैं m1 के लिए इक्वेशन लिखता हूं. kx is force in positive direction, f1 is force in negative direction. Net force in positive direction is kx minus f1, and it must be equal to m1 into a1. kx minus f1 is equal to m1 into a1, or m1 into dv1 by dt. अब व्हाट आई डू इज मैं डी वी टू बाय डी टी के लिए एक इक्वेशन लिख देता हूं. डी वी टू बाय डी टी इज इक्वल टू एफ टू माइनस के एक्स बाय एम टू. डी वी वन बाय डी टी के लिए इक्वेशन लिख देता हूं. डी वी वन by dt, that is kx minus f1 by m1. इधर से ऑलवेज एप्लीकेबल यह इक्वेशन भी हमेशा लिखी जा सकती है, यह इक्वेशन भी हमेशा लिखी जा सकती है, और यह इक्वेशन भी हमेशा लिखी जा सकती है किसी भी समय पर. इसलिए यह इक्वेशन हम हमेशा लिख देंगे. अब इस इक्वेशन को देखते हुए v2 माइनस v1, इसे देखते हुए मैं dv2 by dt माइनस dv1 by dt कर रहा हूं. दिस माइनस दिस कर रहा हूं. इस जगह पर लिखता हूं डी वी टू बाय डी टी माइनस डी वी वन बाय डी टी इज इक्वल टू एफ टू बाय एम टू माइनस के एक्स बाय एम टू माइनस के एक्स बाय एम वन माइनस एफ वन बाय एम वन एंड दिस इज डी ऑफ वी टू माइनस वी वन बाय डी टी. अब मैं क्या करता हूं F2 by M2 और F1 by M1 इन टर्म को एक साथ लिखता हूं. F2 by M2 प्लस F1 by M1 और इधर मैं लिखता हूं माइनस Kx by M2 प्लस kx by m1 is equal to d of v relative by dt. v2 minus v1 को v relative हमेशा होल्ड करेंगे. अब यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है and this is a quantity in terms of x. जबकि इधर है dv relative by dt. What I do is मैं dx से multiply divide कर देता हूं. dx से multiply करा और dx से divide कर दिया और इस तरह से मुझे अब यह equation इस तरह से देखने लगेगी f2 by m2 plus F1 by M1 minus
1 by M2 plus 1 by M1 plus 1 by M1 into Kx is equal to dx by dt ho jayega v relative into dv relative by dx. अब मैं क्या करता हूं, इस dx को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, f2 by m2 plus f1 by m1 whole into dx minus 1 by m2 plus 1 by m1 into kx dx is equal to v relative into dv relative. इस तरीके से मैं इक्वेशन को लिखकर अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं. आई इंटीग्रेटेड f1 अपॉन m2 प्लस f1 अपॉन m1 तो कांस्टेंट है, इसलिए यह इंटीग्रल से बाहर रहेगा. 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 इंटू k यह कांस्टेंट है, इसलिए यह भी इंटीग्रल से बाहर रहेगा, x dx इंटीग्रल के अंदर आएगा और इधर इंटीग्रल v रिलेटिव dv रिलेटिव. अब इंटीग्रेट करते समय यहीं का यहीं हम लिमिट्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. 0 टाइम पर जब एलोंगेशन 0 है, दोनों बॉडीज रेस्ट पर हैं, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, x जब 0 है तब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, और किसी भी एलोंगेशन x पर कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है. इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा x, फ्रॉम 0 टू x वो x ही रहेगा. इंटीग्रल ऑफ x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, फ्रॉम 0 टू x वो x स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा. f2 अपॉन m2 प्लस f1 अपॉन m1 होल इनटू x. माइनस 1 अपॉन m2 प्लस 1 अपॉन m1 इंटू के एक्स स्क्वायर बाय 2. इज इक्वल टू x dx का इंटीग्रल वंस अगेन v रिलेटिव स्क्वायर बाय 2. लोअर लिमिट चूंकि 0 है इसलिए हर केस में मैं कहता हूं दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन विच ऑलवेज होल्ड. यह जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, सारी इक्वेशंस बिल्कुल जनरलाइज्ड है जो कि हमेशा होल्ड करती हैं, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है. अब हम मैक्स एलोंगेशन की कंडीशन लिख देते हैं. एट मैक्स एलोंगेशन, इस जगह पर कंडीशन लिखता हूं मैं, एट मैक्स एक्स डीएक्स बाय डीटी which is relative velocity dx by dt which is relative velocity must be 0. इस condition पर जो x होएगा वह maximum होगा. इस
इस रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर देता हूं। F2 अपॉन M2 प्लस F1 अपॉन M1 होल इनटू X माइनस 1 अपॉन M2 प्लस 1 अपॉन M1 इनटू K X स्क्वायर बाय 2 दिस थिंग मस्ट बी जीरो। आइदर X इक्वल टू जीरो इट्स मिनिमम एलोंगेशन और x इज इक्वल टू जो मैक्सिमम एलोंगेशन है मैक्सिमम एलोंगेशन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ f2 बाय m2 प्लस f1 बाय m1 होल अपॉन k into 1 upon m2 plus 1 upon m1. This is maximum elongation. पूरे मेथड में हमने कहीं पर भी ना तो कोई मोमेंटम की बात करी है ना कोई एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी है ना किसी वर्क या पावर की बात करी है। पूरे मेथड में हम न्यूटन्स लॉ डायनामिक्स काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बनाते रहे इंटीग्रेट करते रहे। दिस इज वन ऑफ द मेथड अ डिफिकल्ट मेथड। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक अल्टरनेटिव मेथड सजेस्ट करूंगा जो कि काफी इजी मेथड होगा इसके मुकाबले तो काफी इजी मेथड होगा और उस मेथड में हम पूरी तरह से वर्क पावर और एनर्जी की बातचीत करते रहेंगे। आंसर सेम आएगा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा सिर्फ एक ऑप्शनल मेथड है। पहले यह जो मेथड लिखा हुआ है इसे नोट डाउन कीजिए।